बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार हाल ही में अपनी तीसरी रिलीज रक्षाबंधन के लिए तैयार हैं। यह पिछले साल अतरंगी रे के बाद फिल्म निर्माता आनंद एल रे के साथ उनका दूसरा कोलैबोरेशन है। बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद अभिनेता की प्रोजेक्ट के प्रति कमिटमेंट की कमी पर बातचीत शुरू हुई। आखिर वह साल में 3 से 4 फिल्में एक साथ करते हैं। उसी का जवाब देते हुए अक्षय कुमार ने हाल ही में कहा कि वह अपने करियर की शुरुआत से इसी पैटर्न का पालन कर रहे हैं और लोग अक्सर उन्हें स्लो डाउन होने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर की कमी से परेशान हैं और ऐसे लोग मानते हैं कि चीजों को बदलने की जरूरत है। मेरे करियर के दौरान, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में, लोग मुझसे पूछते थे कि मैं एक साल में 4 फिल्मों पर काम क्यों करता हूं। लोगों ने मुझसे हमेशा कहा कि मैं जितनी फिल्म में काम करता हूं या प्रोड्यूस करता हूं, उसके नंबर्स को स्लो डाउन कर दूं। मैं आपको बता दूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी से अधिक छुट्टियां लेता हूं। मैं संडे को काम नहीं करता, मैं हमेशा शनिवार हाफ डे काम करता हूं। आनंद एल राय ने इस पर भी कमेंट किया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वर्क कल्चर ने काम करने की उनकी परसेप्शन को बदल दिया। मैं दिन में केवल 8 घंटे फिल्म के सेट पर बिताता हूँ, लेकिन मैं उन 8 घंटों में से 1 मिनट भी वैनिटी वैन में नहीं बिताता। मैं हमेशा फिल्म सेट के फ्लोर पर खड़ा रहता हूँ। मेरे 8 घंटे किसी भी अन्य स्टार के 14 से 18 घंटे के बराबर है। फिल्म के लिए यही मेरी कमिटमेंट है। अभिनेता इन दिनों रक्षाबंधन का प्रमोशन कर रहे हैं। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित जी स्टूडियो के सहयोग से आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा द्वारा निर्मित है। भूमि पेडनेकर, अक्षय कुमार, नीरज सूद, सीमा पावा, सादिया खातिब और शहजमीन कौर अभिनीत रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।